वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैंने पहले अपने चैनल पे कभी पब्लिश नहीं करी है। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे इस तरीके के कि सर हमें बस ये बता दो, हमें बस ऐसी चीज़ दिखा दो कि जब हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, IOCL से कर लेते हैं, ONGC ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, या फिर इसके अलावा कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है, या फिर इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जब हम यहाँ से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हैं, हमें किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, हमें किस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है, आप हमें ये दिखा दो। तो आप लोगों की डिमांड पर वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं एक तो आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं ये भी आपको दिखा दूंगा, और एक सवाल का जवाब भी आपको दे दूंगा, जिससे कि आपके सवाल का डाउट भी दूर हो जाएगा, मतलब आपको जवाब मिल जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी पता चल जाएगा कि कैसा होता है। और जो बच्चे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट पा चुके हैं, यानी NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है, अगर वो मिल गया है, थोड़ा सा डिफरेंस लगता है इस सर्टिफिकेट में या फिर जो आपको मिला है उसमें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि उन बच्चों की मदद हो जाए जो फ्यूचर में अप्रेंटिसशिप करेंगे और उनको पता चल जाए कि हाँ जी, इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे मुझे तो लगता है नहीं कि कुछ चेंज हुआ होगा, अगर हुआ है तो बता देना। बाकी यही सर्टिफिकेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं सर्टिफिकेट्स की ओर। तो भाई, ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, मैंने करीबन 5 के आसपास सर्टिफिकेट निकाले हैं। इसमें जो है, अगर गवर्नमेंट से आप कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है आपका लिखा रहता है, आपका नंबर, जो अप्रेंटिसशिप का NAC सर्टिफिकेट होता है, कभी कभी क्या होता है कि नंबर मांगा जाता है आप लोगों से, तो ये नंबर आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है जो अप्रेंटिसशिप का आपका जो भी पार्ट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर NAC सर्टिफिकेट लिखा रहता है, और उसके बाद जो यहाँ पर आपकी डिटेल्स लिखी रहती है, आपके फादर का नाम, आपका नाम, आपके जो है यहाँ पर किस स्टेट में आपने जो है अप्रेंटिसशिप की है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं दूसरा सर्टिफिकेट आपको दिखाऊँ, तो दूसरा आप जो देख सकते हैं किस तरीके का, ये भी सेम उसी ही तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पर जो है आपको, अगर मैं तीसरा दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का सर्टिफिकेट है। तो इसी तरीके के सर्टिफिकेट मोस्टली आपको मिलते हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये भी जो है गवर्नमेंट का है। उसके अलावा जो है, मैं एक बार आपको प्राइवेट का दिखा देता हूँ, प्राइवेट का किस तरीके का होता है। अगर प्राइवेट में कुछ चेंज हो तो मुझे बता देना कि प्राइवेट वाला थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो प्राइवेट वाले की ओर बढ़ते हैं। तो प्राइवेट का आप देख सकते हैं, ये जो प्राइवेट का, ये स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है, तो NAC का ही सर्टिफिकेट है, देखो आप देख सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजनल है। आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी ने हायर कर लिया, अब आपका अप्रेंटिसशिप का NAC का सर्टिफिकेट जो है थोड़े समय बाद आएगा, तो कंपनियां क्या करती है, थोड़े समय के बाद आपको जो है, आपकी मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप कम्प्लीट करी, एक आप जो उनसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एक टेम्प्ररी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप जो सबमिट कर सकते हैं वहाँ पर जाके, जहाँ पर आपकी नौकरी लगी है दूसरी जगह पे, और ये चीज़ आप सबमिट कर सकते हैं, इससे काम चल जाता है। और फिर उसके बाद थोड़े समय बाद जब आपका ओरिजिनल आ जाता है, तो ओरिजिनल आपको मिल जाता है। इस बेसिस पे जो है आपको कंपनियाँ जिसमें रिक्वायरमेंट है उसमें जो है आपको यहाँ पर अनुमति दे देती है कि आपकी जो है ये अप्रेंटिसशिप वैलिड है, ठीक है। ये तो था प्राइवेट का। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि देखो भाई, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके एक क्वेश्चन है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 5 के ऑफ़र आए, 5 अप्रेंटिसशिप के ऑफ़र आए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के आए, प्राइवेट के या फिर वो गवर्नमेंट के हों, किसी के भी। अगर आपके पास 5 के ऑफ़र आए, 5 में से आपने अगर एक जो है एक एक्सेप्ट कर लिया ना, तो उन 4 में आप नहीं कर सकते। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपने प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया, तो उन 4 का जो मतलब है आप लोगों का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप ये समझे कि अप्रेंटिसशिप जो है जीवन में आप एक बार कर सकते हैं, जो 2 बार कर रहे हैं बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि 2 बार आप कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है अप्रेंटिसशिप। अगर आप मान लो कि ये आपने फॉर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट में आपको अप्रेंटिसशिप मिली, लेकिन आपका रेलवे में भी नंबर आ गया, आप लोगों को अगर यहाँ पर अंबुजा से हटके अगर रेलवे में जाना है, तो एक ऑप्शन होता है, आप जिस अप्रेंटिसशिप में अभी कर रहे हैं, आपको 2 महीने हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उनको कैसे न कैसे कन्वेंस करके, क्योंकि होता है ऐसा कि वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करने के बाद जो है आपको वहाँ पर जाने की अनुमति दे सकते हैं दूसरी जगह पर। तो क्या होगा कि आप उनको कैसे न कैसे कन्वेंस करोगे कि मुझे जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप नहीं करनी है,
मतलब ड्यू टू सम रीज़न, जो भी आप रीज़न देना चाहते हो दे सकते हो, अगर वो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन मतलब वहाँ से कैंसिल होता है, ख़त्म होता है, तो फिर आप रेलवे में जा पाएंगे। अदरवाइज़ जो आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर आप यहाँ से छोड़ के रेलवे में जाओगे, तो रेलवे वालों को रिफ्लेक्ट होगा कि आप जो पहले ही अंबुजा सीमेंट में रजिस्टर्ड है अप्रेंटिसशिप के तौर पे, तो फिर आप वहाँ पे अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाओगे। अगर आप दो पहली अप्रेंटिसशिप छोड़ के दूसरी में करना चाहते हैं, तो आपको पहले वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने दो जगह पे फॉर्म फिल किए, अगर आपने रेलवे का भी किया और एचएएल का भी किया, दोनों में नंबर आ गया, अच्छी बात है दोनों में नंबर आ गया, लेकिन आपको एक ही एक्सेप्ट करने पड़ेगा, दोनों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। एक बंदा लाइफ में अपनी दो बार अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने ये किया तो वो गलत होगा, और ये कंडीशन आपकी अप्लाई होती है एक ही ट्रेड पर। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपनी आईटीआई करी कोपा में, और उसने जो इलेक्ट्रिशियन में भी कर ली, अब वो बच्चा चाहता है कि मैं जो है दोनों में अप्रेंटिसशिप कर लूँ, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है। आप कोपा में भी कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन में भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं, आपको यहाँ पर अलग अलग करके अप्रेंटिसशिप करनी होगी। लेकिन इस बात का आपको किसी को नहीं बताना होगा, अगर आप ऐसा बताओगे आप, तो फिर आप जो है इलीगल की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, आई होप कि ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा। बाकी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं फेसबुक ग्रुप पर शेयर करता रहता हूँ, कुछ जॉब्स हैं, कुछ प्लेसमेंट्स हैं जो आपको फेसबुक ग्रुप पे मिलते रहती है आप ही के दोस्तों द्वारा, क्योंकि चैनल पे जो है कुछ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और टाइमली अपडेट पा सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल वाली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लेसमेंट की, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है। ठीक है, बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लिंक आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फेसबुक ग्रुप का।